देवा ने समर्थ को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन सिया ने बीच में आकर समर्थ को बचा लिया, लेकिन उसे गोली लग गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। समर्थ करण और सुदेश के साथ उसके बेजान शरीर को हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि सिया मर चुकी है। उसकी मौत की खबर करण के जरिए शिव तक भी पहुंच गई थी। वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। शिव ने गुस्से में कहा, उसे कुछ नहीं हो सकता करण, मैं आ रहा हूँ वहाँ, समझे? उसने कॉल काटा तो यशोदा ने रुंधे स्वर में सवाल किया, क्या हुआ शिव, सिया ठीक है ना? क्या बोला करण ने? वो करण बकवास कर रहा था कि देवा ने सिया को मार डाला, शिव ने गुस्से में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर यशोदा की आंखें बड़ी हो गई। वो चौंकते हुए बोली, सिया को मार डाला? ऐसा नहीं हो सकता शिव, सिया को कुछ नहीं हो सकता। शिव उन्हें संभालते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए दादी सा, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ उसके पास, आप अपना और अंबिका का ध्यान रखिएगा। वो अपने कमरे में आया और अंबिका को डिस्टर्ब किए बिना ही अपना बैग लेकर ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसके जाते ही यशोदा ने बौखलाते हुए खुद से कहा, मुझे अब उनके पास जाना ही होगा, मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दे सकती। वो मंदिर के सामने खड़ी होकर भगवान से सिया के लिए प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई में समर्थ को डॉक्टर की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर को कॉलर से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, के कहा तूने, मारी चतुरी मर गई, मारी लुगाई है ये चोरी, जब तक मारी सांस चल रही है इसकी सांस रुक नहीं सकती, जब तक मारा दिल धड़क रहा है तब तक इसकी धड़कन रुक नहीं सकती, जब तक मैं जिंदा हूँ ठाकुर समर्थ सिंह राठौर जिंदा है, तब तक सिया समर्थ सिंह राठौर मर नहीं सकती। उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर डॉक्टर भी डर गया। समर्थ ने उसे छोड़ा और सिया का हाथ थामते हुए बोला, चतुरी मने पता है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से डर रही है, इसलिए अपनी आंखें नहीं खोल रही, तो चिंता मत कर, मैं थारे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं करूंगा, एक बार आंखें खोल। उसको ऐसे देखकर वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। एक पति अपनी पत्नी के लिए जैसे तड़प रहा था, उन लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। समर्थ ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, देख तू है तो मैं हूं, तू मने छोड़ गई तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मारे से थारा पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रही है ना, बोलना कि तुम्हारे को छोड़कर मारे को भी मारना चाहती है। उसने अचानक से सिया के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से पूछा, कि तुम मने मारना चाहती है, बोलना, नहीं तो वापस आ, मारे से बात कर, बोल मारी चांद कवर सा। उसने अपनी चांद कवर सा को पुकारा था, भला ऐसे में सिया उसकी पुकार कैसे अनसुनी कर सकती थी। उसने अचानक से गहरी सांस ली, उसकी बॉडी मूवमेंट होने लगी, उसके बेजान से शरीर में जान आ गई, या यूं कहें कि समर्थ का प्यार उसे मौत के मुंह से भी छीन लाया था। उसे देखकर सब हैरान हो गए थे। समर्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने डॉक्टर से कहा, अब तुम्हारी चांद कवर्सा का इलाज कर दो डॉक्टर। समर्थ के इतना कहते ही डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, इन्हें इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेकर जाओ। सिया का इलाज शुरू हो गया था। वहां मौजूद सब लोग मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर सुदेश अपनी जगह बर्फ की तरह जम गया था। करण खुद को संभालते हुए वापस अंदर आया और आते ही सुदेश से सवाल किया, भाई साहब सिया मैम कहाँ है? सुदेश होश में आया और उसकी ओर देखते हुए बोला, वो अंदर है, उनका इलाज चल रहा है। इलाज मतलब मैम? करण सुदेश को सवालिया नजरों से देख रहा था। सुदेश ने उसे देखते हुए जवाब दिया, वो ठीक है, उन्हें उनका प्यार मौत के मुंह से वापस छीन लाया, प्यार की जीत हुई और मौत हार गई। उसकी बात सुनकर करण समर्थ की तरफ देखा, जो इमरजेंसी वार्ड की ओर देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सुदेश से कहा, भाई साहब कभी ये ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे राघव सर की याद आ जाती है, उनका दिल भी इन्हीं की तरह था। हाँ अच्छा ये सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी किससे बात करने बाहर गए थे, सुदेश ने पूछा तो करण ने मायूस होकर कहा, मैं शिवाय सर से बात कर रहा था और मैंने उनको यहाँ के बारे में बताया तो वो यहाँ आ रहे हैं। सुदेश ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छा किया, इस वक्त हुकुमरानी सा को उनकी सख्त जरूरत है,
डॉक्टर्स ने कुछ घंटों का ऑपरेशन करके सिया की गोलियां निकाली और फिर उसे ऑब्जर्वेशन में भेज दिया गया। अभी तक सबको पता चल चुका था कि सिया को गोली लगी है। रावल मेंशन में सब लोग उसके लिए परेशान थे, पर भगवान का शुक्रिया अदा भी कर रहे थे क्योंकि वो मौत के मुंह से बाहर आई थी। आज की रात समर्थ सुदेश के साथ उसके पास ही रुका था। करण को सुदेश ने घर भेज दिया था। पूरी रात वो सिया के वार्ड के बाहर खड़ा रहा और कांच की खिड़की से उसे देखता रहा। अगली सुबह सुदेश उसके पास आकर बोला, हुकुम सा अब आप आराम कर लीजिए। हुकुम रानी सा ठीक है। समर्थ उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही उनके कानों में शिव की आवाज पड़ी, कहाँ है सिया, मेरी बहन कहाँ है? वो एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल आ गया था। वो काफी घबराया हुआ था। उसने उनके पास आते ही सवाल किया, कहाँ है सिया, वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है कुंवर सा, वो देखिए। सुदेश ने इशारे से उस वार्ड की खिड़की से अंदर झांक कर देखने के लिए कहा। शिव अपनी बहन को सही सलामत देखकर भावुक हो गया था। समर्थ ने उसे संभाला, वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। वो लोग सिया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार तब खत्म हुआ जब सिया को होश आया। सब उसे देखने के लिए अंदर गए। सिया को ऑक्सीजन मास्क के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही थी और स्ट्रिप्स भी लगी हुई थी। वो अभी भी मशीनों से घिरी हुई थी। शिव उसके पास आकर उसका सिर सहलाते हुए बोला, मेरी झांसी की रानी, क्यों हर बार अकेले निपटने निकल जाती हो अपने दुश्मनों से? तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? हम सब से इसको फर्क पड़ता है के? समर्थ झल्लाते हुए बोला। वो उस पर झूठी नाराजगी जाहिर कर रहा था। उसकी बात सुनकर सिया ने इशारे से उसे अपने करीब बुलाया तो वो सख्त लहजे में बोला, मैंने थारे पास नहीं आना। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती मैं थारे से बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, समझी? सिया की आंखों से आंसू बह गए, जिसे देखकर समर्थ अपनी सारी नाराजगी भूलकर उसके करीब आया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, तू रो क्यों रही है? मैं तो मजाक कर रहा था। तू रोना बंद कर और जल्दी से ठीक हो जा, फिर हमें वापस घर भी तो जाना है। सिया ने उसकी ओर अपनी नम आंखों से देखा, जैसे कि वो पूछ रही हो, क्या आप सच में मजाक कर रहे थे? आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? समर्थ ने उसे जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं हूं, बस तू पहले की तरह ठीक हो जाए। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सिया की हेल्थ में काफी सुधार आ गया था। उसके सीधे हाथ में सर्जरी बेल्ट गले से बंधी हुई थी। एक हफ्ते बाद सिया रावल मेंशन आई थी। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन दो लोग अंदर से उदास भी थे और वो थे वंश और अल्बा। आज उन सबकी मुंबई में आखिरी रात थी। सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन वंश और अल्पा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो दोनों घर की छत के छज्जे पर बैठे हुए थे। अल्पा की आंखें नम थी और उसने अपना सिर वंश के कंधे पर टिका रखा था। अल्पा, मैं भी तुम्हें छोड़कर वापस राजस्थान नहीं जाना चाहता, पर मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। और तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? तुम भी तो पढ़ाई पूरी करके वही आओगी ना, फिर हम साथ में रहेंगे, वंश उसे समझा रहा था। अल्पा ने मासूमियत से सवाल किया, ठाकुर सा पक्का हम साथ में रहेंगे ना? हाँ, वंश ने उसे सीने से लगा लिया। वहीं सिया के कमरे में समर्थ उसे सहारा देकर बेड पर लेटा रहा था। उसने सिया को कंबल ओढ़ाया और फिर उसके बगल में आराम से लेट गया। उसे देखकर सिया मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा करते देखकर समर्थ ने पूछा, क्या हुआ, घड़ा मुस्कुरा रही है आज? सिया ने जवाब देते हुए कहा, आपसे ऐसे अपनी खातिरदारी करवा कर मजा आ रहा है समर्थ जी। समर्थ ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, अच्छा तो थारे को मजा आ रहा है मने तंग करके? कोई बात नहीं, मैं भी तंग करूंगा थारे को। एक बार ठीक हो जा तू, फिर मैं थारे को तंग करूंगा और लेकिन मजे दोनों बांट लेंगे। आखिरकार थारे को भी तो उसमें मजा आएगा। सिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, आप बहुत बड़े वाले बेशरम हैं, अब सो जाइए। उसने कंबल में अपना मुंह छुपा लिया, जिसे देखकर समर्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो चैन से सो गया। वहीं राधिका अपने कमरे में बेड पर आराम के साथ लेटी हुई थी। उसे चिंता हो रही थी। उसने मन में खुद से कहा, इतना समय बीत चुका है कुंवर तेज प्रताप वाली बात को, मुझे लगता है कि वो अब अपनी जिद छोड़ चुके होंगे, मुझे अब उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
मैं अब घर वापस जा रही हूँ, तो मुझे अब उनके बारे में सोचना चाहिए। मैंने सब घर वालों को बहुत परेशान किया। वो इस बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन राठौड़ हवेली में बहुत ही चहल पहल लग रही थी। पूरे राठौड़ हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। वहाँ की तैयारी देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ पर सबके वापस आने पर उनका धूमधाम से स्वागत होने वाला है। घर में बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। घर की औरतें और लड़कियाँ किचन में थी, वो सब मिठाइयाँ बना रही थी। सबके वापस घर आने की खुशी में पूरे गाँव में मिठाई बंटने वाली थी। घर के बाहर समर्थ के सभी भाई ढोल नगाड़े वाले और नौकरों को कुछ समझा रहे थे। सत्या ने उन सब से सख्त लहजे में कहा, देख अगर तूने कोई भी गड़बड़ की तो थारे वास्ते मारे से बुरा कोई नहीं होगा। मारे भाई सा और भाभी सा के साथ साथ मारी बहन भी घर वापस आ रही है, उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, समझे? जी ठाकुर साह। सब नौकरों ने हाँ में सिर हिलाया, वो सब काम करने लगे। अचानक सत्या की नजर घर के मेन गेट की ओर गई, जहाँ से सिया समर्थ और बाकी लोगों की गाड़ियाँ एंटर हो रही थी। उन्हें देखकर सत्या ने शिवम और पुष्कर से कहा, तुम दोनों देख के रहे हो, अरे शुरू करो, ढोल नगाड़े बजवाओ। शिवम और पुष्कर ने ढोल नगाड़ों वालों को ढोल और नगाड़े बजाने के लिए कहा और वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। जब कोई राजा जंग जीत कर आता है और जैसा स्वागत उसका किया जाता है, वैसा ही उन लोगों का किया जा रहा था। सब परिवार वाले उनकी खुशी में शामिल हुए थे, लेकिन दो लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो थे पृथ्वी के दोनों बेटे जीत और रेवंत। वो दोनों हवेली की छत पर मौजूद थे और हवेली के बाहर का नजारा देख रहे थे। रेवंत ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, कब तक हम दोनों के साथ भेदभाव होता रहेगा? इस घर में हम भी तो रहते हैं, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं, जैसे हम इस घर में हो ही नहीं। जीत, कुछ बोल भी, कब तक मुखिया पद की फेंकी हुई हड्डी चूसने के लालच में चुप रहेगा? उसकी बात सुनकर जीत गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही रेवंत ने गुस्से में अपनी व्हीलचेयर पर हाथ मारा। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। उसने गाड़ी से उतर रहे समर्थ को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास आज जो भी है समर्थ, उस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा। क्या सिया और समर्थ जान पाएंगे रिश्तों में छुपी इस कड़वाहट को? क्या राधिका के सुसाइड की असली वजह जान पाएगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।